मम्मा सो रही है, अभी लाइट जलाता हूँ। मम्मा मम्मा आप कल भी नहीं सोए, आज भी नहीं जा रहे दुकान। तो फिर ये घर आए, इन्होंने देखा कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, फीवर बहुत तेज हो रहा था, तो फिर ये बोले दिखा के लाता हूँ। तो फिर हम डॉक्टर के ही जा रहे हैं अभी, तो बस हम पहुँच गए। और यहाँ मैं बैठी थी और मिस्टी मेरे पास ही थी, और मिस्टी को हम साथ लेके गए थे और वंशु को नहीं लेके गए, क्योंकि वंशु थोड़ा बड़ा है तो वो खेल लेता है, उसकी इतनी नहीं है, लेकिन मिस्टी छोटी है तो उसका थोड़ा सा ऐसे डर सा रहता है। तो अगर मार्केट भी जाए या कहीं डॉक्टर के जाए, कहीं भी जाए, इसको लेके जाते हैं हम साथ में। तो बस मेरा अभी सिर भी दर्द हो रहा था और बुखार तो मैंने बताया तेज था, इसलिए गई थी मैं। तो बस बैठी थी मैं और मिस्टी ऐसे ही, मैं खेल लूँ मम्मा ये वो ये ऐसे बातें कर रही थी, परेशान कर रही थी कि मुझे खेलना है खेलना है। और इधर वंशु के पापा लाइन में लग रहे थे। मुझे डर लगा गया सुई का, अंदर आजा उधर है, वहाँ बैठेंगे, खेलने का नहीं है बेटा, ये डैडी को मारे हो रिपोर्ट लेके। आजा इधर बैठ जा, तो गाइस मैं अभी बैठी हूँ और हॉस्पिटल आई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और जांच वगैरह करवा दी, तो बस ये दवाई वगैरह लेने गए। और मेरे जांच में थोड़ा ब्लड में इन्फेक्शन बताया। मिस्टी आजा, तो मैंने इनको बोला था सुबह चल चलना, क्योंकि मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कपड़े भी चेंज कर लूँ। इधर आजा, फिर ये बोले कि नहीं अभी चलो डॉक्टर के पास से, और कहाँ अपन क्या घूमने आएंगे, ये डॉगी खा जाएगा। तो आज तो फीवर भी है, खांसी है मेरे, तो मतलब 2-3 दिन से चल ही रहा था, 2 दिन तो हो गए मेरे को शॉप पे, आज नहीं गई, कल नहीं गई और पहले भी नहीं जा रही थी बीच में। आज दुकान ना बैठेंगे, दुकान पे नहीं जा, दुकान बेटा तबीयत ठीक नहीं थी और काम का ऐसे है कि थोड़ा काम करती हूँ फिर लेट जाती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ जैसे हिम्मत होती है हल्की बुल, और नहीं भी होती तो और काशी से ना सिर में और दर्द हो गया, तो हिम्मत नहीं होती तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ता है। तो बस मैंने सुबह कपड़े धोए थे, तू समेट देना उनको ना। ना कौन समेटेगा, तू
उतार के लिए ही की। डॉक्टर के मतलब बहुत कम पानी पीना है, बस ऐसे होते हैं ना कि अब तो बहुत जरूरी हो गया, तब मैं आती हूँ। बाकी मैं काफी दिन से दवाइयाँ घर पे मंगा रही थी, पानी फिर आज तो इन्होंने बोला कि दिखा के लाऊंगा। वैसे जांच वाँच करवा लेनी चाहिए, फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन मेरा तो है ही ऐसा कि मैं जल्दी से नहीं आती। तो बस वो गए दवाई लेने में, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि दो तीन दिन से कोई ब्लॉग, दो तीन दिन के पाँच सात दिन से कोई ब्लॉग बना ही नहीं रही मैं। देखिए डोगी डोगी खा जाएगा ये तो। मिस्टी को तो हम साथ लेके आए थे, इसका थोड़ा रहता है खेलीगार और वरिशु खेलता रहता है, तो इसको नहीं छोड़ सकते, इसको लाना पड़ता है। मिस्टी मेरे यहाँ छुई लगी थी मेरे, पानी पीना, पानी बस अब चल रहे डेड्डू को मार जाए। अब देखो कल भी तबीयत ठीक होगी नहीं होगी, मैंने आज तो कल तो नहीं हुई, लेकिन आज सोचा चलूंगी जाऊंगी, लेकिन नहीं है हिम्मत, तो हिम्मत क्या आगे तो क्या ही करें, नहीं तबीयत ठीक होती तो अभी भी कॉल आया था, तो मैंने ये बोला हूँ कि मैं तो हॉस्पिटल आई हुई हूँ। सुई का भी बहुत डर लगता है, और मैं आती हूँ जब भी आती हूँ ना तो मेरी तो जांच पक्का ही होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियस होने के बाद ही आती हूँ, तो वो जांच करवानी पड़ती है। तो गाइस बस देखिए कल से व्लॉग स्टार्ट करेंगे, पहले अभी तो दो पहले भी पड़े हुए, बड़ी मुश्किल से एडिटिंग कर रही हूँ, और मैं कि उनको डाल दूँ निकल, वैसे काफ़ी लेट हो गया। तो चलो बस कितने दिन की है दवाई, वापस आना पड़ेगा 7 दिन बाद। इतनी सारी टेबलेट ले, नीचे तो रख देना। वंशु एक काम कर देना, ले ये दवाई नीचे रख दे, इतने इसमें डाल दूंगी, लेकिन ये वहाँ नीचे रख दे, ये ले खड़ा हो बेटा, नीचे रख दे। इतनी लगी क्या तुझे, क्या बोले डेड्यू को कितना टाइम लगेगा? बेटा मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने बनाई वो ही बड़ी मुश्किल से है, रुक जा 10 मिनट में अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं फिर उठ के डाल दूंगी। मैं ये उधर रख दे, काशी से देना और उससे दर्द भी नहीं जा रहा। लाइट बंद कर दे, कर दे बेटा, मेरी हिम्मत होती तो मैं क्या यहाँ बैठी रहती क्या? तो ये काशी नहीं रुक रही इसलिए दवाई ली है।